ओके अंकल, थैंक यू, बाय। ये थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। फाइनली अंकल ने हमें स्टेशन पहुंचा दिया टाइम पर ही। वो कह रही है आओ, ये अभी शूट कर रहे हैं, फिर हम सबको हटा देंगे। सुन लो, यही हो रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका कन्नू के ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हमारा प्रोग्राम अमृतसर जाने का बन रहा है। वहाँ हम गोल्डन टेंपल घूमने जा रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम हमारा ये प्रोग्राम है, तो देखते हैं। अभी यहाँ ये जो है, हम गुड़गांव से जा रहे हैं, तो देखते हैं गुड़गांव से ले कर अमृतसर तक का ये हमारा सफ़र कैसा रहता है, ठीक है? और बीच में जो जो भी आएगा हम उस चीज़ को इंजॉय करेंगे, ठीक है? तो अभी जो है, अभी हम अपने घर से निकल गए हैं। आप और हम, हमारे कन्नू के और मेरे साथ हमारी एक मैम है जिनका नाम है शिवू मैम, ठीक है? हेलो। और ये इनका बेटा शिवू। तो हम घर से तो निकल चुके हैं, और जी अब हमें घर से निकल चुके हैं, और अभी मुझे अपनी वाइफ को लेने हैं, उनके ऑफिस जाना है, और ऑफिस से मेरी बाइक मिलेगी। तो फिर हम यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन की साइड जाएंगे, और फिर वहाँ से हम दिल्ली के लिए, वो गोल्डन टेम्पल के लिए हम ट्रेन लेंगे, ठीक है? तो चलिए गाइस, अभी पहुँचते हैं जरा वाइफ के ऑफिस तक, फिर हम आपको दिखाएंगे। हाँ, क्या दिखाएंगे? ऑफिस। ओके, आपको ऑफिस भी है, और हमारे साथ एक अंकल है जो कि सरदार जी हैं। मुझे ऐसा लगता है आज मुझे सभी अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा दोबारा। तो चलिए गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं वाइफ के ऑफिस में, ठीक है? आज मैं अपने मम्मी के ऑफिस में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, और I'm so excited। और ये वाइफ आ चुकी हैं। हाय तो कर दो इसमें। और ये इनका ऑफिस है, गूगल ऑफिस, जहाँ ये जॉब करती हैं। भाई, अरे हाय भाई, कुछ तो कर दो, बोल तो दिया हाय। क्या तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑफिस निकल चुका है। आप जैसा कि देख रहे हैं, रोड पे सारी गाड़ियां आ चुकी हैं। अब हम मैम को लेकर अब हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। वहां से हम गोल्डन टेंपल जाएंगे। हमें आने में 4 दिन लग जाएंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं ऑफिस से बाहर रहूंगा। अपनी स्क्रिप्ट चल रही है, कुछ और। अब ये 1 घंटा और बोल सकता है। तुम बोलने को बोलो। अंकल, आपका नाम क्या है? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, ठीक है? तो थोड़ा अंकल बताएंगे वहाँ पर क्या क्या है?
थोड़ा गोल्डन टेम्पल के साथ में दुर्गियाना मंदिर है साथ में ही। अच्छा, और थोड़ी सी आगे जलियांवाला बाग है और उसके बाद आप 40 किलोमीटर पे बॉर्डर है। बॉर्डर वाघा बॉर्डर, यही बताया था मेरे को भैया ने। ये जो है ये क्या हम एक दिन में घूम सकते हैं या कम से कम दो दिन चाहिए? आप ये तो जो दुर्गियाना मंदिर और वो है जलियांवाला बाग तो एक दिन में हो जाएगा, वाघा बॉर्डर नेक्स्ट डे बनेगा क्योंकि शाम को होता है। ओके, उसका प्रोग्राम जो है शाम को होता है बीटिंग रिट्रीट का। ओके अंकल, थैंक यू, बाय। ये थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। फाइनली अंकल ने हमें स्टेशन पहुंचा दिया टाइम पर ही। चलिए अपनी ट्रेन के लिए। गाइस फाइनली हम टाइम पर पहुंच गए हैं और ये देखिए ट्रेन भी हमारे सामने है। बस अब तो बैठ रहे हैं और अमृतसर की जर्नी की तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, बस अब चलने का हम वेट कर रहे हैं। सबकी हालत देखो क्या हो रही है। सब लोग बहुत जोर से बोल रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं खाने का। गाइस फाइनली हाँ वैसे थोड़ा और रख दीजिए पानी। थैंक यू गाइस। फाइनली हमारे स्नैक्स आ गए। स्नैक्स में क्या क्या है? अमृतसर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं हम अपने होटल की साइड। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम यहां से जा रहे हैं अपने होटल। आइसक्रीम मेरे बेटे वो कह रहे हैं कि चलेंगे कहीं भी आओ। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।